चलना। भैया दो प्लेट मोमो दे दीजिए। अरे यार मुझे मोमो नहीं खाना है। क्यों? अरे यार ये जो मोमो में स्टफिंग होता है ना वो मुझे पसंद नहीं है। अरे बस इतनी सी बात। भैया आप एक काम करना, आप इसे खोखला मोमो देना। खोखला मोमो? अरे भाई तू मेरी बात समझता क्यों नहीं है, मुझे मोमो खाना ही नहीं है। अरे यार अब क्या हुआ? अरे वो मोमो मैदा से बनता है ना, तो फिर वो मैदा पेट में जाकर मैदा चिपक जाता है ना, तो इसलिए मुझे मोमो नहीं पसंद। अच्छा ठीक है तू मोमो मत खा। भैया एक प्लेट दीजिए। अच्छा ठीक है तो अभी मोमो खा ले, फिर कल सुबह निकलेंगे मोमो। अरे यार तू चुप रह, तू फालतू मत बोल। भैया आप इसकी बात पर ध्यान मत दीजिए, आप मोमो दीजिए मुझे कल सुबह। भैया हमें एक प्लेट शुद्ध शाकाहारी मोमो को हिंदी में क्या बोलते हैं? मोमो ही बोलते होंगे। मोमो दे दीजिए। हाँ हाँ अवश्य अवश्य, लेकिन ध्यान रहे भैया मोमो शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए। वैसे आप शाकाहारी मोमो और नॉनवेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? छोड़ो हटाओ। नॉनवेज मोमो अलग अलग बनाते हो ना? हाँ हम अलग बनाते हैं। हाँ तो फिर ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा क्योंकि वेज मोमो स्टीम हो रहे हैं, दो मिनट रुकिए। अच्छा ठीक है। भैया मुझे एक प्लेट नॉनवेज मोमो दीजिए। अच्छा ठीक है। हे भगवान पता नहीं लोग नॉनवेज कैसे खा लेते हैं। अरे भैया पहले मोमो मैंने मांगा तो मुझे दीजिए ना। अरे भैया आपका मोमो स्टीम हो रहा है, थोड़ा इंतजार कीजिए। और भैया मेरे नॉनवेज मोमो? अरे नॉनवेज मोमो तो तैयार हो गया है, अब मैं आपको देता हूँ। ये लीजिए आपका नॉनवेज मोमो। अरे भैया ध्यान से, वो नॉनवेज मोमो का धुआं मेरे नाक में आ रहा है, ध्यान से वो उधर ले जाइए, उसे उधर ले जाइए। अरे इसे धुआं नहीं इसे स्टीम कहते हैं। अरे आप लीजिए ना मोमो। हाँ लाइए। अरे भैया आप मेरा भी तो मोमो दे दीजिए। हाँ हाँ आपका मोमो भी तैयार हो गया है, ये लीजिए आपका शुद्ध शाकाहारी वेज मोमो। हाँ लाइए। अरे इसमें चिकन तो है ही नहीं। अरे भैया मुझे आपने नॉनवेज की जगह वेज मोमो दे दिया। ओहो अरे लगता है मैंने गलती से आपको इनका वेज मोमो दे दिया। इसका मतलब मैंने, हाँ आप जो खा रहे हो वो नॉनवेज मोमो है। मैंने नॉनवेज मोमो खा लिए? हे भगवान ये मुझसे क्या हो गया, मैंने नॉनवेज मोमो कैसे खा लिए? सॉरी वो गलती से कंफ्यूजन हो गया। मैं अभी आपको नॉनवेज और आपको वेज मोमो देता हूँ, रुकिए। क्या भैया पूरा मूड खराब कर दिया आपने। भैया मोमो खिला दीजिए। हाँ मैं भी खिलाता हूँ। हाँ ये लीजिए। हाँ लाइए। अरे भैया ये क्या क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे? अरे भैया अपनी चटनी कहाँ दी? अरे चटनी दिया तो है। अरे ये चटनी? अरे नहीं नहीं भैया ये चटनी तो मैं एक मोमो में ही खत्म कर दूंगा। आप एक काम करो, आप मुझे कटोरा भर के चटनी दे दो। एक कटोरी चटनी? ठीक है अभी देता हूँ। ये लीजिए पूरी कटोरी मैंने आपको दे दी, लीजिए। हाँ लाइए। वैसे चटनी तो कम है लेकिन मैं मैनेज कर लूंगा। अरे भैया फिर से चटनी खत्म हो गई। आप एक काम कीजिए अपना पूरा पतीला चटनी का दे दीजिए मुझे। हाँ हाँ ये पतीली क्यों, मैं आपको पूरा ठेला ही दे देता हूँ। 30 रुपए में पूरा ठेला निकल जाएगा क्या? अच्छा ठीक है आप गुस्सा मत होइए। आप एक काम कीजिए आप मुझे सूप दे दीजिए, मैं सूप से मैनेज कर लूंगा। हाँ लेकिन सूप के 5 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। क्यों, सूप तो फ्री होता है ना? कुछ फ्री नहीं होता, सबके पैसे लगेंगे यहाँ पर। अच्छा ठीक है नहीं चाहिए सूप, रहने दीजिए। हाँ भैया कितना बिल हो गया आपका? हाँ आपके हो गए 75 रुपए। क्या 75 रुपए? लेकिन मैंने तो सिर्फ 15 रुपए के मोमो खाए हैं। हाँ आपने मोमो तो 15 रुपए के खाए हैं लेकिन आपने 50 रुपए की चटनी खाई है। लेकिन चटनी तो फ्री होती है ना? हाँ हाँ चटनी तो पेड़ पर उगता है, एक कटोरी चटनी को फ्री में नहीं देता है। चुपचाप से पैसे दीजिए। अच्छा ठीक है मैं पैसे देता हूँ। भैया मोमो है क्या? नहीं नहीं मोमो कहाँ है, ये तो मैगी है, खाना है। लेकिन यहाँ तो मोमो रखे हुए हैं। जब दिख रहा है कि मोमो है तो क्यों पूछ रहे हो? क्या भैया आप भी मजाक करते हो, वैसे कैसे प्लेट है मोमो? 50 के 6 मोमो। 50 के 6 मोमो? नहीं नहीं भैया बहुत कम अमाउंट है, थोड़ा अमाउंट बढ़ाइए। अच्छा कम है तो ठीक है आपके लिए 60 रुपए के 6 मोमो। अरे ओ भैया मैंने पैसों का नहीं, मैंने मोमो का अमाउंट बढ़ाने बोला, आप तो पैसे का ही अमाउंट बढ़ा रहे हो, गजब है आप भी। अच्छा तो ऐसा बोलिए ना, लेकिन 50 में तो हम सिर्फ 6 ही मोमो देते हैं। क्या भैया इतना बड़ा ठेला है आपका, थोड़ा ठेला खोल कर मोमो दीजिए ना।
अच्छा ठीक है, तो फिर पेमेंट भी आप बैंक अकाउंट खोल कर कीजिएगा अच्छे से। भैया मोमो खिला दीजिए। हाँ मैं अभी खिलाता हूँ, एक मिनट भैया रुकिए। क्या हुआ, आप ये मोमो के लिए मैदा कहाँ से खरीदते हो? मैदा तो मैं हाँ उस किराने वाले दुकान से लेता हूँ। उस दुकान से? नहीं नहीं भैया, तब तो मैं आपके मोमो नहीं खाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने सुना है वो जो दुकान वाले भैया है ना, वो अपने मैदे में चूहे मारने की दवाई मिलाते हैं। क्या? अच्छा मुझे एक और बात बताइए, आप अपने मोमो में भरने के लिए वो पत्ता गोभी कहाँ से खरीदते हो? वो तो मैं हाँ वो सब्जी वाले से लेता हूँ। उस सब्जी वाले से? नहीं नहीं भैया, अब तो मैं आपके मोमो कभी नहीं खाऊंगा। हाँ क्यों, अब क्या हो गया? क्योंकि मैंने सुना है उनके पत्ता गोभी के अंदर से लंबे लंबे कीड़े निकलते हैं। नहीं नहीं भैया, मैं आपके मोमो नहीं खा सकता। आपके मोमो खाकर तो लोग हॉस्पिटल में पहुंच जाते होंगे। नहीं नहीं मुझे माफ कीजिए, मुझे मोमो नहीं खाना है, मैं जाता हूँ। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। भैया मोमो खिला दीजिए। हाँ अभी देता हूँ। हाँ ये लीजिए। हाँ लाइए। आहा मजा आ गया खाके। कितने पैसे हो गए आपके? हाँ आपके 50 रुपए हो गए। 50 रुपए? अच्छा देता हूँ। हे भगवान मेरा वॉलेट कहाँ गया? लगता है मैंने वॉलेट घर पर ही छोड़ दिया है। हे भगवान अब मैं क्या करूँ, इसे पैसे कैसे दूँ? ओ भाई पैसे तो दीजिए मेरे। हाँ देता हूँ। हे भगवान अब मैं क्या करूँ? हाँ आइडिया। क्या हुआ? आपने आपने मुंह में क्या मिलाया था? वही जो मिलाया जाता है जैसे पत्ता गोभी मैदा और बाकी सब मसाले। अरे मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो देखो आप बनो मत, मैं जानता हूँ आपने मेरे मोमो में मिलावट की है, मेरा पेट बहुत दुख रहा है। मैं कंज्यूमर कोर्ट में जाऊँगा, मैं वहाँ कंप्लेन करूँगा, मैं बोलूँगा कि आप मेरे मोमो में मिलावट करते हो। क्या कंज्यूमर कोर्ट? हाँ मैं वहाँ पर केस करूँगा। अरे नहीं नहीं आप ये केस वेस मत कीजिए, आप एक काम कीजिए, आपका ये मोमो का पैसा कैंसिल, मैं पैसे नहीं लूँगा। लेकिन आप ये केस वेस मत कीजिए मुझ पर, मैं इस बार तो आपको छोड़ रहा हूँ लेकिन मैं अगली बार नहीं छोड़ूंगा आपको। हाँ ठीक है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को अगर आप मेरे वीडियोस को और ऐसे देखना चाहते हो तो, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप मोमो लवर है कि नहीं ये भी मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तो बस जल्दी मुलाकात होगी नहीं और एक्साइटिंग वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ, हंसते रहिए। मेरे और भी कॉमेडी वीडियोज देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।